हम स्टार्ट करेंगे आइस एंड एंगल्स। आइस एंड एंगल्स बेसिकली बहुत ही इजी है, जो प्रीवियस क्लासेस आपने पढ़ी में लाइंस के बारे में बहुत डिटेल्स नहीं, आपने बेसिक लेवल पे जैसे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोपेंस राइट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल एंड ऑल, तो उन्हीं सारी चीज यही यूज करके यही सारे कॉन्सेप्ट करके इस चैप्टर में थोड़ा सा एडवांस है। लेकिन जब भी आप लाइंस एंड एंगल्स के जो भी हमारा जो भी मोटिवेशन जैसे कोर्स अकॉर्डिंग हम तो कुछ प्रूफ्स हैं, बाकी सब मोटिवेशन है। मोटिवेशन मतलब कि उसके बारे में आपको जानना है, प्रूफ नहीं करना है। और वो सब कुछ मैंने ऐप में दिया हुआ है, यहाँ पे आपका जो बैच में जाएंगे आप तो सिलेबस भी दिया हुआ, सिलेबस इज ऑल्सो गिवन है। जब आप जाएंगे तो सिलेबस भी दिया, साल का क्या सिलेबस, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे इसको कवर अप करेंगे। तो लाइंस एंड एंगल्स में तो एनसीईआरटी बुक है, बुक्स और कॉपीज ये सारी चीजें निकाल लीजिए, लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर हमने ओपन अप कर लीजिए ताकि जब भी कोई भी पॉइंट बताए लाइंस जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम जो देखेंगे दैट इज बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन। जैसे मिसाल के तौर पर लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं, देखो सेगमेंट कहते हैं पार्ट हिस्सा, तो लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का हिस्सा। जैसे जब हम लाइन सेगमेंट बनाते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है, दैट इज फ्रॉम ए बी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो इसके दो एड्स हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा लाइन सेगमेंट। रे किसको कहेंगे, ठीक है, जिसमें अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट, मींस जैसे मिसाल के तौर पर हमने ये बनाया और दूसरा वाला अनएंडिंग है, कितनी दूर जाएगा नहीं पता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट द रे। तो ये बेसिक टर्म्स और डेफिनेशन आपको बताई जा रही है ताकि उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या कर सके, समझ सके, ठीक है। एंट्री फिर एग्जिट, ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट दैट इज, तो यहां पे भी चीज की जा रही है, उन सारे टर्म्स और डेफिनेशंस को बोला जा रहा है ताकि आप वो चीजें फिर से रिकॉर्ड कर सकें। तो लाइन सेगमेंट को कैसे हम डिनोट करेंगे, जैसे ए बी लाइन सेगमेंट है तो हम कैसे डिनोट, ठीक है, रे को कैसे डिनोट करेंगे, मान लो हमने लिया तो इसके ऊपर तो यहाँ पे बना हुआ, ठीक है, द रे ए बी इज डिनोटेड बाय दिस एंड अ लाइन इज डिनोटेड बाय दिस। देखो मिसाल के तौर पर कोई लाइन है, लाइन वन इज लाइन सेगमेंट एंड वन इज रे, तो मान लो लाइन है तो हम ऐसे शो करेंगे लाइन ए, क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों तरफ उसके एंड पॉइंट्स नहीं होंगे, ठीक है, लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का पार्ट मींस एंड पॉइंट्स होंगे, जैसे यहां पे दिख रहा है ये लाइन सेगमेंट, इसके दोनों एंड पॉइंट्स होंगे, क्यों, क्योंकि ये एक लंबी सी लाइन का पोर्शन है, सेगमेंट है, ठीक है। इसी तरह अगर रे की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कैसे शो करेंगे, ऑलरेडी सारी चीजें दी है, दैट इज दिस, ठीक है, जिसका एक एंड पॉइंट होता है दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है, तो ये ऑलरेडी ये सारी चीजें यहां पे गिवन है, लाइन लाइन सेगमेंट और रे, ठीक है, कैसे हम डिनोट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या हो गया, वो पॉइंट्स जो कि एक लाइन में होते हैं, तो मिसाल के तौर पर स्ट्रेट लाइन, यहां पे तीन पॉइंट्स हैं और ये तीनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन बनी, तो हम ये कहेंगे ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। जैसे अगर ये तीन पॉइंट है ऐसे, ठीक है, अगर आप इन तीनों को ज्वाइन करोगे स्ट्रेट लाइन बन गई, नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी नॉन कोल, क्या हो जाएगा नॉन कोल,
तो यहाँ पे वही चीज है कि कोलिनियर पॉइंट्स, वो पॉइंट्स जब आप ज्वाइन करो तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाए, उनको कोलिनियर बोलेंगे. और नॉन कोलिनियर मतलब कि जो कि हम जब ज्वाइन करें तो वो क्या करें, वो एक स्ट्रेट लाइन ना बने. ठीक है, ये ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस की ये सब कुछ यहाँ पे एज एन इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है. ठीक है, अभी मेन चैप्टर पे हम नहीं है, इसे बेसिक टर्म्स है, वो टर्मिनोलॉजीज, डेफिनेशन, ये सारी चीज. अब देखो, अब आते हैं एंगल. एंगल किसको कहते हैं? अभी हमने क्या पढ़ा, लाइन, सेगमेंट और रे. तो जब दो रेज को आप ज्वाइन करते हो, तो यहां से आपने ये रे है फॉर एग्जाम्पल, और इसी तरह से दूसरी रे यहां से आपने ज्वाइन कर दी. तो जब दो रेज को आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो वो क्या बनाता है, दैट इज व्हाट एंगल. वही चीज यहां पे कही है. ठीक है, मींस द एंगल इज फॉर्मड व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम सेम एंड पॉइंट. मतलब उनका एंड पॉइंट क्या हो, ये क्या है एंड पॉइंट, तो उनका एंड पॉइंट क्या हो, सेम हो. तो जब एक एंड पॉइंट से दो रेज ओरिजिनेट करेंगे तो दैट विल फॉर्म व्हाट, एंगल. कमिंग टू द नेक्स्ट टर्म, आगे क्या बोल रहे, आर्म्स. आर्म्स का मतलब क्या हो गया, अब यहीं पे इसको देखते हैं. अब जैसे मिसाल के तौर पर ये एक पॉइंट है, ठीक है, एंड पॉइंट है, यहां से एक रे निकली, यहां से दूसरी रे, ठीक है, दिस इज वन एंड पॉइंट. ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, दिस इज एंगल, यहाँ पे y क्या है, एंगल. तो ये जो है दिस वन, दिस इज व्हाट आर्म, तो क्या बोलेंगे, आर्म्स. ठीक है, तो ये कह रहे, द रेज मेकिंग एन एंगल कॉल्ड द आर्म्स. वो रेज जो ये एंगल बनाते हैं, उन रेज को हम क्या बोलते हैं, आर्म्स. ठीक है, नेक्स्ट वर्टेक्स. वर्टेक्स मींस जॉइंट, यानी जो दो रेज है, देखो ये दो रेज है, यहां पे जिस पॉइंट पे ज्वाइन हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टेक्स. एंड पॉइंट भी बोलेंगे, पॉइंट भी बोल सकते हैं, या फिर वर्टेक्स. ठीक है, और प्लूरल इसका क्या होता है, वर्टिसेस. और ये सिर्फ इसी में नहीं है, जैसे मैंने यहां पे बनाया एक फिगर, एक क्वाड्रिलेटरल का, डीडी, यहां पे भी इसके दो पॉइंट्स है, लेकिन यहां पे एबी क्या है, लाइन सेगमेंट है, यहां पे रे नहीं है, क्योंकि यहां पे देखो इस सेगमेंट के दोनों पॉइंट्स डिफाइंड है. ठीक है, कि ये ए है और ये बी है, तो ये लाइन सेगमेंट, दिस इज नॉट रे, ना ये लाइन है. लाइन का क्या होता है, दोनों जो होते हैं अनएंडिंग होते हैं, उनके एंड पॉइंट्स आपको नहीं पता. तो ये क्या है, ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट, ए डी क्या है, लाइन सेगमेंट, बी सी क्या है, लाइन सेगमेंट, बी सी क्या है, लाइन सेगमेंट. तो ये लाइन सेगमेंट मिलके एक कोऑर्डिनेटर बनता है. देखो यहां पे भी जो दो लाइन सेगमेंट्स मिल रहे हैं ना, ये इसका क्या कह रहा, वर्टेक्स. ये इसका क्या कह रहा, वर्टेक्स. ये इसका क्या कह रहा, वर्टेक्स. और ये इसका क्या लाएगा, दैट इज वर्टेक्स. मैं तो वर्टेक्स से इसका मतलब ये नहीं कि एंगल को जहां पे रेज या लाइन सेगमेंट जॉइन हो गया तो वो क्या कहलाएगा, वर्टेक्स. क्या और ये क्यूबॉइड में भी है, आप ये रूम देख रहे हो. ठीक है, अब ये रूम आप देख रहे हो तो ये क्यूबॉइड शेप. देखो वो जो कॉर्नर है, वो जो पॉइंट है, तो देखो एक लाइन सेगमेंट ये, एक लाइन सेगमेंट ये, और एक लाइन सेगमेंट क्यों उधर जो, तो वो इस रूम का क्या कहलाएगा, वर्टेक्स. क्या पॉइंट समझ में आ गया, तो दैट इज कॉल्ड व्हाट द वर्टेक्स. आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एंगल से ही रिलेटेड. ठीक है, वर्टेक्स मीन्स जो भी यहाँ पे यहाँ पे यही कह रहा है, the end point is called what, the vertex. यहाँ पे rays, जब angle के term में बात करते हैं, तो angle के term में vertex क्या है, जो दो rays आके जिस end point पे क्या करती हैं, तो हम क्या बोलेंगे, that is called what, the vertex of the angle. ठीक है, अब आते हैं next, acute angle. ये सारे terms आपने lower classes में, this is just a revision. Acute angle मतलब वो angle जो 0 degree से बड़ा हो और 90 degree से राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री. ओके, एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, 90 डिग्री.
ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से, मतलब 91 डिग्री से शुरू होगा और 179 डिग्री, ये क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस। अब यही एंगल, जैसे मिसाल के तौर पर जब हम ट्राइंगल बनाते हैं, मान लो मैंने ये ट्राइंगल, ठीक है, अब देखो यहां पे ये क्या एक्यूट एंगल, ये भी क्या एक्यूट, ये क्या कहलाएगा? एक्यूट एंगल का, एक्यूट ट्राइंगल। लेकिन अगर मैंने ऐसे ट्राइंगल, देखो यहां पे ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से ज्यादा, ये क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस। देखिए क्यों, क्योंकि इसमें एक एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस, यानी 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से कम। तो एंगल्स जहां पे भी हो उसके मेजर को देखना है और वहां पे हमें ये बताना है कि वो एक्यूट है या राइट एंगल है या ऑब्ट्यूस है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो इसमें जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, स्ट्रेट एंगल मतलब कि 180 डिग्री, ये किसी भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन सकता है। जैसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाया, यहां पे ये एंगल है, ये भी स्ट्रेट, यहां पे ये एंगल स्ट्रेट एंगल, यहां पे ये एंगल स्ट्रेट एंगल, यानी एक पॉइंट को आप चूज करो, अगर वो स्ट्रेट लाइन का पार्ट, अगर वो स्ट्रेट लाइन का पार्ट, तो वो कौन सा एंगल बना रहा है? स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल क्या होता है? दैट्स इट, ठीक है, स्ट्रेट एंगल विल बी 180। अब आते हैं नेक्स्ट, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। देखो अब यहां पे मैंने एक एंगल लिया, ये है मान लो 45, दिस इज एंगल ए, ठीक है। अब जिस, जैसे यहां पे क्या हो गया, ये हमने लिखा यहां पे, अब यहां पे मैंने लिखा इसको एंगल ए बी सी, मैंने इसको ए भी लिख सकता हूं, मैं इसको सी ए बी नहीं लिख सकता, मैं इसको एंगल ए सी नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि जिस वर्टेक्स, दो वर्टेक्स होता जिस पे एंगल फॉर्म होता वो हमेशा कहां पे लिखा है? तो बीच में बी आ रहा है, चाहे इधर उधर ए सी आए चाहे इधर उधर सी आए, ये दोनों करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जिस वर्टेक्स पे बन रहा है वो एंगल हमें बीच में क्या करना है, मेंशन करना। अब चाहे उसके जो दूसरे, जो और दो पॉइंट्स हैं, जो आर्म के दूसरे पॉइंट्स हैं, वहां पे वो आप उसको कर सकते हो ट्रांजिशन, तब चाहे ए इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो बात वही है, चाहे सी इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो बात वही है। लेकिन सी ए बी ए सी बी कभी भी, मतलब ये एंगल इसको रिप्रेजेंट नहीं करता, तो पता, ठीक है। दूसरा, एक पॉइंट के अराउंड कितना डिग्री आए, एक पॉइंट के अराउंड चारों तरफ, दैट इज 360 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अब मैंने ये पॉइंट लिया, यहां पे एक एंगल बन, बहुत ध्यान से सुन, एक एंगल बन गया, इसका मतलब इस पॉइंट के अराउंड जितना एंगल है 360 ही रहेगा, उसमें से मान लो ये 30 खत्म हो गया ना, कम हो गया कि नहीं, 30 डिग्री खत्म हो गया। अब उसके बाद मैंने यहां पे एक और एंगल है और ये हो गया मान लो 100 डिग्री, ठीक है। अब ये जो पूरा 100 डिग्री है ये इस पूरे 360 में से कम हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी एंगल बनता है वो एक एंड पॉइंट पे बनता है, एक वर्टेक्स पे बनता है, और एक वर्टेक्स के चारों तरफ कितना डिग्री होता है, 360। तो अगर एक एंगल बन चुका है मान लो 45, तो बाकी जो बचा हुआ एंगल है, कितना बचा हुआ एंगल है 360 में से 45 पॉइंट, कितना आया 315, यानी ये जो बचा हुआ एंगल है 360 में से, ये क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स, क्या कहलाएगा? जैसे मैंने एक एंगल बनाया, ये है 120 तो मेन एंगल, लेकिन ये भी अगर देखो ये भी एक एंगल बन रहा है, तो दैट विल बी व्हाट द रिफ्लेक्स, और वो कितना होगा 360 माइनस 120, कितना हो जाएगा 240, यहां पे क्या हो जाएगा 2, क्या? तो ये कुछ एंगल्स के बारे में जो आपके एनसीईआरटी में ऑलरेडी बन है, तो हमने स्टडी किया, लेकिन ये सब दिमाग में रखना है, क्योंकि जब आप प्रूफ करोगे ये सारी चीजें करोगे तो ये सब यूज होना है टाइप्स ऑफ एंगल, ये सब यहाँ पे डेफिनेशन के बाद कॉम्प्लीमेंट्री है। अब देखो यहां पे हमने जिक्र किया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल,
ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अब वो एंगल्स हैं जिनका सम 90 हो जाए। जैसे मैं यहां पे बनाऊ मान लो 30 और मैं बनाऊ 60, अब ये 30 प्लस 60 क्या देगा, 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स का सम कितना है 90, तो इसमें ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अक्सर बच्चों के दिमाग में ये बैठ जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा जरूरी है कि साथ ही में बने हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। जैसे मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब इसका एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री। अब देखो मतलब इन तो तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। एट क्लास में आपने पढ़ा कैसे हम एंगल्स का सम निकालते हैं, एंगल्स का सम है मैथ फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 180। वैसे n कितना, कितने साइड्स हैं, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, यानी तीनों एंगल्स का सम फॉर्मूला, कैलकुलेट सम ऑफ ऑल इंटीरियर यानी सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कैलकुलेट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या हो जाता है n माइनस 2, n क्या होती है नंबर ऑफ साइड्स इनटू। ठीक है, अब देखो ये 90 डिग्री, अब बचे दो एंगल्स, इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा, 90 क्या देगा 180, तो एक एंगल पूरा 90 डिग्री है, तो बाकी जो दो बचे हुए दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में कहते हैं है? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सिर्फ हमें ये देखना है कि उन दो एंगल्स का सम 90 है या नहीं, वो एक साथ बने हुए हैं, वो अलग अलग फिगर में बने हुए हैं, एक ट्राइंगल में बने हुए, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर उन दोनों एंगल्स का सम क्या है 90 डिग्री, तो वो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। कोई डाउट यहां तक, कोई डाउट हो दिमाग में कुछ क्या, आगे बढ़ेंगे तो। इसी तरह क्या है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मींस जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री वो क्या कहलाते हैं। अब यहां से भी ये डाउट दिमाग से निकाल देना कि ये दोनों एंगल जरूरी नहीं है कि साथ में बने, पॉइंट समझ में। जैसे जब हम स्ट्रेट एंगल को पढ़ते, स्ट्रेट एंगल क्या होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री है। अब मैं यहां पे एक लाइन ऐसे एक रे ड्रॉ कर, मेरा ये मैंने एक रे ड्रॉ कर दी। अब ये बताओ इस पूरे एंगल का सम 180, अब मैंने यहां पे रे ड्रॉ कर दी, हमारे सामने यहां पे दो एंगल्स बन गए, दो एंगल्स बन गए, तो ये बताओ इन दो एंगल्स का सम कितना, ये भी एक रूम है, बीच में मैं दीवार खड़ा कर दी, जो छोटे छोटे रूम है वो दोनों मिलके क्या बने पूरा घर, ये सिर्फ रूम बन के तैयार हो, यहां से यहां तक ये पूरा 180 डिग्री। अब तुम इसके तुम जितने भी पार्ट कर दो, इन सारे पार्ट्स का सब मिलके 180 तो आते क्यों, और कुछ ज्यादा क्यों भाई आएगा, पिज्जा एक पूरा है, पूरा पिज्जा एक था, करा एक आया था, अब इसके तुमने 1 2 3 4 5 6 7 टुकड़े कर दिए, लेकिन सातों क्या है इक्वल अनइक्वल जैसे, तो ये सातों टुकड़े मिलके एक ही पिज्जा बनेंगे या दो पिज्जा बनेंगे, एक पिज्जा बनेंगे। तो यहां पे वही चीज है कि जब इस पूरे एंगल का सम 180, पूरा एंगल 180, ठीक है,
और उसके बाद जब ये 180 है तो यहाँ पे तुमने एक रे स्टैंड किया जिससे दो एंगल्स बन के तैयार हो गए, तो इन दो एंगल्स का सम क्या आएगा 180। यहाँ पे तीन एंगल्स बन जाए, इन तीनों एंगल्स का सम क्या आएगा 180। पॉइंट समझ में आया? तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जिन दो एंगल्स का सम 180 हो वो सप्लीमेंट्री, चाहे वो बराबर बराबर में बने हुए, जैसे कि यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पे दो एंगल्स एकदम एक दूसरे के बराबर में है और दोनों का सम क्या है 180, तो ये दोनों भी क्या होंगे सप्लीमेंट्री और ये स्ट्रेट एंगल का भी पार्ट बन गए। बहुत ध्यान समझना, इसी तरह मैंने यहाँ पे 90 डिग्री बनाया और यहाँ पे मैंने 30 डिग्री, ठीक है। अब 90 प्लस 30 क्या होगा 120, 180 तो आया, इसके मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। यहां पे मैंने फॉर एग्जाम्पल बनाया, फिर मैंने बनाया मान लो दैट इज 60, इन दोनों का सम क्या होगा कितना होगा 180, ये दोनों क्या होंगे कैसे होंगे सप्लीमेंट्री, क्योंकि इन दोनों का एंगल का सम कितना होगा 180। अगर यही दो एंगल ये 120 है तो ऑब्वियसली ये 60 होगा ना, क्योंकि पूरा एंगल क्या बन गया 180। तो ये बताओ ये दोनों अभी भी क्या है सप्लीमेंट्री है ना, लेकिन इस वक्त ये क्या है स्ट्रेट एंगल का, तो स्ट्रेट एंगल होना सप्लीमेंट्री होना। अब कुछ फर्क समझ में आ रहा है कि सप्लीमेंट्री बोला जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि दोनों एंगल्स बराबर मिल पाए, दो अलग अलग एंगल्स को भी हम सप्लीमेंट्री कह सकते हैं अगर दोनों का सम क्या होगा 180 हो। हाँ वो स्ट्रेट एंगल का पार्ट भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री होने के लिए एकदम मिले हुए, वो किसी दो ट्राइंगल का भी पार्ट बन सकते, वो किसी दो अलग अलग एंगल्स का भी पार्ट, पक्का ठीक है। अब देखो यहां पे हमने पढ़, अब आते हैं नेक्स्ट टर्म एडजेसेंट। एडजेसेंट कहते हैं बराबर, जैसे इस वक्त जो कृष्णा है वो आपके एडजेसेंट बैठ, बराबर में बैठ, मैं फ्रंट में, ठीक है। तो यहां पे वही चीज है कि एडजेसेंट मतलब बराबर, तो आप कौन सा, ये तो वो तो रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। अब यहां पे हम बात करते हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब बराबर, जैसे यहां पे मैंने एक एंगल बना ए, ए 90। अब यहां पे मैंने रे बना दी 60 और ये 30। अब देखो इन दो एंगल्स का वर्टेक्स क्या है सेम, और इन दो एंगल्स का जो एक आर्म है ये कॉमन है देखो, और बाकी दो आर्म्स क्या है अनकॉमन। बाकी दो क्या है अनकॉमन, तो इस वजह से क्योंकि यहां पे दो आर्म्स कॉमन है तो ये दो एंगल्स क्या कहलाएंगे एडजेसेंट यहां पे, ठीक है। इसी तरीके से एक 2D फिगर है, मान लो पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी। अब यहां पे ये जो एंगल ए और एंगल सी है ये ऑपोजिट है, लेकिन एंगल ए और एंगल बी क्या है एडजेसेंट, क्योंकि इस कोऑर्डिनेटर सॉरी कोऑर्डिनेटर और पैरेललोग्राम में एंगल ए के बराबर में क्या है एंगल बी, एंगल बी का एडजेसेंट है एंगल सी, एंगल सी का एडजेसेंट है एंगल डी, क्या एंगल सी का बी नहीं है, है? तो इसका मतलब एंगल ए का एडजेसेंट बी है और डी भी है, एंगल बी का एडजेसेंट ए भी है और सी भी है, एंगल सी का एडजेसेंट बी भी है और डी भी है, और एंगल डी का एडजेसेंट सी है और एडजेसेंट, और वही चीज एंगल्स में सकते, तो एडजेसेंट टर्म सिर्फ एंगल्स में नहीं, एडजेसेंट और भी ज्योमेट्री में यूज किया जाता है। एडजेसेंट का सिंपल मतलब होता है बराबर में, ठीक है। तो यहां पे भी हमें क्या मिलेंगे एडजेसेंट एंगल्स भी मिलेंगे, कि जब हम कहते हैं एडजेसेंट तो इसका मतलब एक रे क्या होनी चाहिए कॉमन और बाकी दो क्या होनी चाहिए अनकॉमन, तभी हम एंगल्स में क्या बोलते एडजेसेंट। जैसे यहां पे दोनों मिलके क्या बना रहे स्ट्रेट एंगल बना,
और ये दोनों क्या है एक दूसरे के सप्लीमेंट, ये दोनों क्या है सम क्या दे रहे हैं 180 डिग्री, और इस वक्त ये स्ट्रेट एंगल का भी पार्ट, ठीक है। तो अब यहां पे देखो ये रे क्या है कॉमन, और ये रे क्या है कॉमन, ये भी रे क्या है अनकॉमन, ये दोनों एंगल्स इस वक्त क्या है एडजेसेंट एंगल्स, बोल सप्लीमेंट्री बोलना कॉम्प्लीमेंट्री बोलना ये सारी चीज है एकदम दिमाग में अच्छे से बैठ जानी चाहिए। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, और हमें क्या बोल रहे हैं जो पिछला जितना पढ़ा उसमें कोई कंफ्यूजन अभी भी कोई कंफ्यूजन राज बताओ कोलिनियर पॉइंट्स किन को कहते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर ना होने के दो अभी क्या पढ़ाया या तो फिर लीनियर मतलब होता है एक लाइन में, भी मैंने बताया था जब पॉइंट्स एक लाइन में हो, ये पॉइंट्स हैं ए बी सी तीनों एक लाइन में, तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे कोलिनियर, और अगर ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है तो इनको क्या बोलेंगे नॉन कोलिनियर। तो अब यहां पे ये जो लीनियर मतलब क्या होता है, लीनियर मतलब है एक लाइन में, समझ में आया। तो अब यहां पे एंगल्स के टर्म में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब सप्लीमेंट्री हमने पढ़ा इन एंगल्स का 180 straight angle पड़ा, तो दो angle 180 degree, वो क्या है straight angle, दो adjacent angles मिलके straight angle बना सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं दो adjacent angles मिलके straight बना सकते, तो यहाँ पे ये जो दो angles हैं जो मिलके straight angle बना रहे, देखो ये दूसरे supplementary वो बात हो गई, और ये दो angles मिलके क्या बना रहे क्या बना रहे, तो इनको हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ठीक है, लीनियर एक लाइन में, समझ में आया। अब देखो यहां पे मैंने बनाया 60, यहां पे मैंने बनाया 120, ये दोनों क्या है एंगल्स, कौन सा एंगल्स सप्लीमेंट्री है, लेकिन ये दोनों क्या है सप्लीमेंट्री है, क्या ये दोनों एडजेसेंट है एडजेसेंट के लिए मैंने क्या बोला था, एडजेसेंट का मतलब है कि एक आर्म कॉमन होनी चाहिए, कॉमन मतलब कि ये दोनों आर्म एक दूसरे की मिली हुई होनी चाहिए, यहां पे जैसे दिख रहा मिली हुई आर्म यहां पे क्या है, ये दोनों अलग अलग एंगल्स, तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं क्या लाएंगे नहीं कहलाएंगे एडजेसेंट, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कहलाएंगे स्ट्रेट एंगल, क्या ये सॉरी सप्लीमेंट्री, क्या ये स्ट्रेट एंगल दे रहे हैं नो, ये लाइन पे नहीं बने हुए, स्ट्रेट एंगल के लिए क्या होगा ये दोनों एंगल्स बराबर में होंगे और मिलके यस, क्या ये एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं नो, लीनियर पेयर भी नहीं है सप्लीमेंट्री तो है लीनियर पेयर नहीं है। अब यहां पे मैंने बनाया एक लाइन पे एंगल 120 डिग्री 60, क्या ये सप्लीमेंट्री है यस, क्या ये एडजेसेंट है यस, क्या ये स्ट्रेट एंगल बना रहे यस, तो क्या ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री हो और फिर बाकी सब हो ऐसा जरूरी नहीं है,
लेकिन अगर लीनियर पेयर हो गया तो सारी कंडीशन फुल। अगर स्ट्रेट एंगल नहीं है और दो एंगल्स पार्ट है, ठीक है, स्ट्रेट एंगल का मतलब सिंगल एंगल हो गया, लेकिन जब दो एंगल्स मिलके 180 दे रहे हैं तो हम उनको स्पेसिफिकली क्या बोलते हैं, दैट इज लीनियर पेयर ऑफ। तो अगर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए तो ऑटोमेटिकली वो सब होते चले गए, वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल मिलके स्ट्रेट एंगल भी ले गए, वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एडजेसेंट भी होंगे और वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल सप्लीमेंट्री। तो इसका मतलब सप्लीमेंट्री हो सब हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर लीनियर पेयर होगा तो वो सारी कंडीशन को फुलफिल करेगा। इसको डाउट हो तो आपका समझ में आ गया, ये बताने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि यही वो टर्मिनोलॉजीज है, यही वो कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में बैठा ही नहीं होता, तो जब आप सॉल्व करते हो लाइंस एंड एंगल्स एडिशन बोल रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री बोल रहा हूँ, लीनियर पेयर बोल रहा हूँ, तो जब पता ही नहीं कि वो है क्या तो आप सॉल्व करो। और इसीलिए अक्सर बच्चे ज्योमेट्री से भागते क्योंकि उनको पता ही नहीं, वो बोल रहे लीनियर पेयर हो कि इसका लीनियर पेयर मतलब दोनों एंगल्स बने की तब वो स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं। जहां ये समझ में आ गया तो अब वो आगे खुद फिगर आउट करते चले जाओ, वो क्वेश्चन ज्योमेट्री सबसे आसान होती है, बस आपको क्या करना होगा एक लिंक ढूंढना होगा, ठीक है। जरा देखो ना क्या ढूंढना होता है, एक लिंक ढूंढना होता है, उस लिंक से आप लिंक जोड़ते चले जाते हो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ये है ज्योमेट्री। ठीक है, कोई इसमें कोई खतरनाक सा रूल नहीं लगता। अब जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनता है, याद रखो जो बताने वाला हूं बहुत ध्यान से समझो, ये दो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक लाइन है AB और BC बनाओ, ये O पे इंटरसेक्ट, अब आगे बढ़ो एक और लाइन, क्या स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, बोलिए तो लाइन पे जरा क्या ये COD स्ट्रेट लाइन, COD पूछो, क्या ये स्ट्रेट लाइन है, AB और CD यहां पे स्ट्रेट लाइन है, ये दो व्हाइट बॉल नहीं है, अच्छा ये तो ऐसे कौन सा है, अरे मैं कंफ्यूज हो गया, तो यहां पे AB और CD, तो जब दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तब उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, यहाँ पे ऑपोजिट एंगल ये है और ये, और ध्यान से समझ, और ध्यान से ऑपोजिट एंगल ये है और ये, यहाँ पे देखो मैंने एक येलो एक और यहाँ पे कलर्स में अलग अलग कलर्स, लेकिन बुक्स में जनरली कलर्स अलग अलग नहीं, तो देखो जब एंगल सेम होते हैं तो मान लो ये एंगल इस एंगल के सेम है, तो अगर ये एंगल इसके सेम नहीं है आप ये शुरू तो करेगा यहाँ पे डबल करेगा, तो इन सब के पीछे क्या है लॉजिक है, और इस चीज को आपको समझ कि यहाँ पे डबल क्यों है और ये सिंगल क्यों है, बिकॉज बोथ एंगल्स आर डिफरेंट, समझ में, वो ऐसे नहीं बना। इसी तरह आपने क्वाड्रिलेटरल में देखा होगा या कोई भी पॉलीगन में देखा होगा, मान लो ऐसे सिंगल सिंगल बनेंगे तो मतलब दोनों साइड सेम है, और यहाँ पे टू लाइन बनी है यहाँ पे थ्री लाइन बनी है, मतलब सेम नहीं है, मतलब ये टू लाइन और ये थ्री लाइन का मतलब क्या हो गया, ये दोनों डिफरेंट, ये 5 सेंटीमीटर हो सकती है 7 सेंटीमीटर, लेकिन ये दोनों क्या है सेम है, लेकिन ये दोनों भी इन दोनों के सेम, जैसे मान लो ये 7 सेंटीमीटर है ये भी क्या होगी 7 सेंटीमीटर, मान लो ये 8 सेंटीमीटर होगी और ये 5 है, इसके पीछे अपना एक मतलब है। ये चीज हमेशा अक्सर बच्चे हम नहीं देते और फिर वो कंफ्यूज रहते हैं और वो जिंदगी भर फिर कंफ्यूज,
कहते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियरली है ये। अब देखो यहाँ पे ये मैंने बनाया वर्ड, ये जो ऑपोजिट एंगल्स है जो दो स्ट्रेट लाइंस के इंटरसेक्ट होने पे बन रहे हैं उनको हम बोलेंगे क्या? वर्टिकली अपोजिट, और ये आपस में क्या रहेंगे? इक्वल। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 60। और अगर ये 120 है तो ये भी क्या होगा? 120। अब आप कहेंगे साहब मैं 120 60 क्यों? देखो बेटा ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के क्या बन एंगल बन, तो इसका मतलब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? 180। देखो ये इस स्ट्रेट लाइन पे बन, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए? 180। इसी तरीके से ए बी पे फिर देखो ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, ये ए बी स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? 180 देंगे। इसी तरह ये दोनों एंगल्स क्या देंगे? तो दो लाइंस जब इंटरसेक्ट कर रही है स्ट्रेट लाइंस, तो जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वर्टिकली होंगे। अब देखो यहां पे ये एंगल, ये एंगल ठीक है, ये ऑपोजिट एंगल, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे यही कंफ्यूजन होता है, ये वर्टिकल ये ऑपोजिट एंगल नहीं, ऑपोजिट तो आप बोल सकते, जैसे मेरा ऑपोजिट आप बैठे होंगे, आपके ऑपोजिट है, मैं इनके जस्ट सामने बैठा हूं आपसे थोड़ा सा हटके बैठा, ठीक है, मुंह में ऑपोजिट, भाई समझ में, लेकिन एग्जैक्टली अभी मैं आप दोनों के बीच में बैठ गया हूं तो मैं इधर से भी ऑपोजिट इक्वल, ठीक है। तो सेम यहां पे वही पर पर ये दो स्ट्रेट एंगल्स का ऑपोजिट एंगल नहीं, दो स्ट्रेट लाइंस का ऑपोजिट एंगल, तो इसमें ये वर्टिकल या ऑपोजिट एंगल नहीं करेगा। वर्टिकल या ऑपोजिट एंगल के लिए एकदम दोनों लाइन क्या होनी चाहिए? सीधी नहीं, सीधी होगी तो हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करते हैं, याद है कुछ है कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन देखो जब हमें मिलेगा डायरेक्ट सॉल्व कर, सॉल्व कैसे किया तो फिर तो सॉल्व करते क्या, ये थ्योरम है इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते, ये तो किया गया। जब नहीं मिलती है कंडीशन, थ्योरम का मतलब क्या हो, कंडीशन आपको क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, और वो कंडीशन कहां पे दी होती है? क्वेश्चन में दी होती है, और समय इसलिए मैं कहता हूँ सोल्यूशन हमेशा क्वेश्चन में होता है, बस आपको सोचना है और कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा ये करना है। अब आपके पास कंडीशन है ठीक है, थ्योरम डायरेक्ट तो अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर हम इसमें ऐसा कंस्ट्रक्शन कर दें जो कि उस फिगर को नुकसान ना हो, तो उसकी वैल्यू उसको तो मैं उसके साइड स्टोन इन सारी चीजों को नुकसान नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर मैं लिखूं 4/5 रेशियो क्या है 4/5, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं 10 से डिवाइड कर दूं ये हो जाएगा 40/50, अभी भी रेशियो 4/5 है, तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करना पड़ा लेकिन उसके रेशियो पे कोई फर्क नहीं आए। तो ये चेंजेस कभी कभी करने पड़ते हैं सॉल्व करने के लिए, वही ज्योमेट्री में भी करने पड़ते हैं, यानी जहां पे हमारा थ्योरम डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो वहां पे हम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं, और कंस्ट्रक्शन किसके अकॉर्डिंग होगा? जो थ्योरम अप्लाई करना है उसी को अप्लाई करके ही सॉल्व आउट हो पाएगा, तो उसकी कंडीशन आपको देनी। तो मैं तो यहाँ पे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन नहीं थी, रेड वाली लाइन तो स्ट्रेट थी लेकिन ब्लू वाली स्ट्रेट, लेकिन मुझे अप्लाई करना, थ्योरम अप्लाई करना है लीनियर पेयर का, स्ट्रेट एंगल का मुझे अप्लाई करना है, वर्टिकली अपोजिट का अप्लाई करना है। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन को एक्सटेंड किया और इसको एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब ये बताओ इस स्ट्रेट लाइन होने से एक फर्क तो पड़ा, यहाँ पे जो ये दो एंगल्स बन रहे थे अब ये तीन हो गए, ठीक है। लेकिन ये बताओ इन दो एंगल्स का सम पहले कितना, इस कंस्ट्रक्शन को करने से पहले इस कंस्ट्रक्शन को करने से पहले इन दो एंगल्स का सम कितना? 180। जब कंस्ट्रक्शन किया सूरत तो बदल गई, लेकिन ये बताओ ये तीन एंगल्स में भी आ गया, अब इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा? फर्क पड़ा कुछ? मतलब कंस्ट्रक्शन किया लेकिन एंगल के सम पे के ऊपर नहीं पड़ा, ना ही हमने कोई नया एंगल बना के तैयार कर दिया एडिशनल, इसके अलावा भी एक नया एंगल,
तो तुम्हें है ना, तो इस क्या इसके ऊपर कोई फर्क पड़ा? वेरी ये होता है कम जब हम मतलब ये कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ जो आप चैप्टर में आपके सामने है। तो यही सारी चीजें सामने आती है और फिर वहां पे आप कंफ्यूज। तो जब मैंने बताया वर्टिकली बोलते लाइन मतलब दो स्ट्रेट लाइन सिंगल वे स्ट्रेट लाइन बनाए अच्छे ठीक है, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वर्टिकली बोलते लाइन वहां पे अप्लाई कंफ्यूजन या बाकी तो मैं कदम हर पल आपको के साथ कभी करते ठीक और चाहे वीडियो देखिए बार 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 जब तक समझ नहीं आया मुझे बुलाते रहो करूंगा इसमें आ जाए ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट अभी वही बोलते व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होता है अक्सर दिखा सब बताओ इंटरसेक्टिंग मतलब इंटरसेक्ट करना कहीं ना कहीं से काट रहा ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने दो लाइन बनाई है इंटरसेक्टिंग, यहाँ मैंने दो लाइन बनाई है इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन ये दोनों इंटरसेक्टिंग, यहाँ पे और भी लाइन बना दी सब एक दूसरे इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग ठीक है। और जब वो मिले ही ना अभी ये सब क्या है नॉन इंटरसेक्टिंग, लेकिन जैसे ही आप इसको एक्सटेंड करोगे कहीं ना कहीं जाके देखो क्या होगा इंटरसेक्ट कर जाएगी ना क्यों मेरा यहाँ पे अभी मैंने बनाया स्टोर यहाँ पे लाके छोड़ अभी फिलहाल क्या है नॉन इंटरसेक्टिंग, लेकिन अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो आगे जाके इंटरसेक्ट कर जाएगी। तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या है कि वो दोनों लाइंस या और जो लाइंस हैं वो कैसी हो, क्योंकि अगर पैरेलल हुई पैरेलल का मतलब क्या होता है टू आउट डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या रहेगा इक्वल रहेगा। अगर 5-5 सेंटीमीटर तो पूरा 5-5 सेंटीमीटर तक रहेगा। अब यहां पे नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब सॉरी नॉन पैरेलल का मतलब क्या होता है कि थ्रू आउट डिस्टेंस क्या रहेगा सेम नहीं है कम होता जा रहा है। तो ये क्या है नॉन पैरेलल और ये क्या होंगे तो लाइन इंटरसेक्ट तक नहीं करेंगे जब वो क्या होंगे जब वो पैरेलल होंगी तो कभी भी इंटरसेक्टिंग इट विल बी ऑलवेज नॉन इंटरसेक्टिंग, और जब नॉन पैरेलल होंगी तो वो कहीं ना कहीं जाके क्या कर जाएंगे दैट विल बी इंटरसेक्टिंग ठीक है। अब इंटरसेक्ट होना फिर आगे टर्म आता है बाईसेक्ट ये होना, जैसे मिसाल के दो स्ट्रेट लाइंस और ये दोनों ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए ठीक है, इसमें डिवाइड हो जाए इक्वल पार्ट्स तो ये इंटरसेक्टिंग तो है लेकिन बाईसेक्टिंग भी क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में इंटरसेक्टिंग है इंटरसेक्ट कर रहे हैं लेकिन जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दो इक्वल पार्ट्स तो ये क्या कहलाएगा दिस विल बी बाईसेक्टिंग। ये कहेंगे यहाँ पे दो लाइंस एक दूसरे को क्या कर रही है बाईसेक्ट क्या कर रही है बाईसेक्ट इंटरसेक्ट तो कर ही रही है साथ साथ क्या कर रही है बाईसेक्ट, लेकिन क्या यहाँ पे ये जो दो इंटर लाइंस हैं क्या इस वक्त ये बाईसेक्ट कर रही है क्यों, क्योंकि देखो ये पोर्शन बड़ा है और ये छोटा तो कहां इक्वल पार्ट्स में इंटरसेक्टिंग तो है लेकिन बाईसेक्टिंग नहीं है। तो मैं तो जो बाईसेक्टिंग हो वो इंटरसेक्टिंग तो हो गई है लेकिन जो इंटरसेक्टिंग होगा जरूरी नहीं कि वो बाईसेक्टिंग पंचमन में आ गया विदाउट इसमें ठीक। तो अब आगे करके इसको आप बाइसेक्टिंग बना दो वो तो एक अलग चीज है लेकिन अभी जो फिलहाल बना तो बाइसेक्टिंग ठीक है। दूसरा क्या दो लाइंस ट्राइसेक्ट कर सकते बाइसेक्ट मतलब ट्राई मींस इक्वल पार्ट्स में दो लाइन दो ही लाइन दो लाइन बाइसेक्ट तो कर सकते ये चीज हमें समझना
क्या फाइव सेट कर पाएंगे? ट्राइसेक्ट नहीं करता। ठीक है, ट्राइसेक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्टोन लेना। यानी ये मान लो, ये मान लो 5 सेंटीमीटर कितना, 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना 5। तो मैं कहूंगा लाइन एल और एम लाइन पी को ट्राइसेक्ट कर। ठीक है, लाइन एल और एम लाइन पी को क्या कर रही है? मान लो ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये क्यू। एंड सेकंड मैं कहूंगा लाइन एल और एम लाइन पी क्यू को ट्राइसेक्ट कर। क्या लाइन पी क्यू एल और एम को भी ट्राइसेक्ट कर? लाइन एल और एम पी क्यू को ट्राइसेक्ट कर, दिस इज ट्रू। ठीक है, क्या लाइन पी क्यू भी लाइन एल और एम को ट्राइसेक्ट कर रहा है? पी क्यू L और M को ट्राइसेक्ट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ C और D है, लाइन L कितने पार्ट्स में डिवाइड है? हाँ, ट्राइसेक्ट। लेकिन L और M PQ को क्या कर? ट्राइसेक्ट कर रहा। दिस इज कॉल्ड ट्राइसेक्शन। हाँ, तीनों जो है इंटरसेक्टिंग है, मींस लाइन L लाइन P है एट C। ठीक है, और लाइन M PQ के इंटरसेक्टिंग है एट, तो समझ में आ गया इंटरसेक्टिंग, बाइसेक्टिंग, पैरेलल, नॉन पैरेलल, नॉन इंटरसेक्टिंग, ये सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट, पेयर्स ऑफ हैंड। देखो एक्सियोम किसको कहते हैं? हालांकि आपका जो पहला वाला चैप्टर नहीं, यहाँ पे आप postulates, axiom, इन सारी चीजों को देखो। axiom वो statement होता है जिसको proof करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो fact है और उसको use किया जाता है further proof करने की। समझ में? तो that is what the axiom। ठीक है, आपने पढ़ा होगा theory, theory क्या होता है? proof के बाद में, और उनको proof करने के लिए एक statement एक चाहिए, एक research चाहिए। ठीक है, तो एक्सियोम क्या होता है? जैसे यहां पे कह रहे हैं इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म इज, यानी अगर एक स्ट्रेट लाइन पे, भाई जो हमने स्टडी किया, एक स्ट्रेट लाइन पे अगर एक रे आपने ड्रॉप कर, फाइन एग्जांपल ए, और यहां पे मैंने एक रे ड्रॉप कर, हेलो ये सी एक्स पे। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है? द sum of two adjacent angles so formed, अब देखो यहाँ पे दो adjacent angles बन गए, ये angle बन गया और एक, ठीक है, तो इनका sum क्या हो जाएगा? So this is what axiom, इसको हम क्या बोलते हैं? Axiom। ठीक है, now coming to the next, ये axiom as it is, अब आपके ऊपर है कि आप कैसे, अब या स्कूल में generally क्या होता है? Fill in the blanks form पे दे देते हैं, इस टाइप से ये सारी चीजें होती हैं। Coming to the second, ये axiom है, तो कमी ये कह रहा है कि जब एक स्ट्रेट लाइन पे आप एक रे बनाते हो तो जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं उनका सम क्या होगा? कमिंग कमिंग टू axiom 6.2, क्या बोल रहा है? का रिवर्स, मतलब अगर इन दो, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल्स हैं इनका सम 180 डिग्री, का रिवर्स, axiom 6.1 का रिवर्स। axiom 6 पॉइंट वन क्या कह रहा है? एक स्ट्रेट लाइन पे अगर आप रे फॉर्म करोगे तो ये जो दो एडजेसेंट इनका सम क्या होगा? 180। एग्जाम 6.2 इसका उल्टा कह रहा है, क्या कह रहा है? अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या है? 180, उसी का उल्टा। ठीक है, देन नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन, मतलब ये देखो ये आर्म कौन सी होगी? कॉमन, और ये क्या होगी? अनकॉमन, और ये क्या होगी? क्यों? ये इस एंगल का पार्ट है, ये इस एंगल का पार्ट। तो कह रहे कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो जो दो अनकॉमन आर्म है, अनकॉमन आर्म्स, ठीक है, ये क्या बनाएंगे? ठीक है, जस्ट एग्जाम 6.1 क्या कह रहे हैं? द
पर स्ट्रेट लाइन पे आपने एक रे फॉल की तो दो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या आएगा, 1 और एग्जांपल 6.2 क्या कह रहा है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है, मतलब कि ये गिवन है 180 डिग्री है, तो जो अनकॉमन आर्म्स हैं वो क्या बनाएंगे, ट्रायंगल। ठीक है, तो एग्जाम 6.1, 6.2 क्या है, एक दूसरे के रिवर्स। तो इसीलिए अबव टू एक्सियम्स आर कॉल्ड व्हाट, आपसे कोई पूछे लीनियर पेयर एक्सियम क्या है, एग्जाम 6 अकॉर्डिंग टू दिस। ये कौन से चैप्टर से चैप्टर है, आई थिंक। ठीक है, तो दोनों एक्सियम्स है, क्या बोल रहा है कि इफ अ रे फॉल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन टू एडजेसेंट एक्सियम्स it forms what, 180 degree, ye aapka ek axiom hai, aur if the two adjacent angles come up 180 degree then the non common arms form what, a straight line, ye dono kya kehlate hain, linear pair। ab dekho next kya hai hamara theorem, theek hai, ab theorem hai iska matlab you have a proof, lekin kyunki kuch cheezon ka proof hai nahi aapke course mein to hum usi ke according dekhenge। ठीक है, तो अब कल जब आएंगे तो आप सिलेबस को एक बार देख, क्योंकि जो प्रूफ नहीं है वो प्रूफ नहीं कराना, सिर्फ एक का प्रूफ है आपकी सब का मोटिवेशन, मतलब ऐसे ही समझ कि ये थ्योरम क्या है क्या, ताकि हम उसको अप्लाई कर सके, क्योंकि थ्योरम का मतलब क्या हो गया, एग्जाम का मतलब क्या हो गया, अब जब आप उसको अप्लाई कर सकते हो, अब उसको प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, जब आप क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो क्या उसको प्रूफ करोगे, पहले नहीं ना, डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे, सर यहाँ पे ये 180 थी एंगल है इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन। तो यहां से क्या समझ, देखो जब भी हम क्वेश्चन में आपसे कहता है कि इसको स्ट्रेट लाइन या इसको 180 डिग्री या कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स टू कॉमनली एक्सियम, ठीक है, मतलब क्या हो गया, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम आपने 180 डिग्री प्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन, समझ में आया, और अगर स्ट्रेट लाइन आपने उसको प्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जहां पे आपको लीनियर पेयर एक्सियम डायरेक्ट यूज करना होगा, यानी वो कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा कि वहां पे आपको उसको क्या प्रूफ करना है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए आपको एंगल का सम क्या प्रूफ करना पड़ेगा, कोई नहीं, तो उसको हम समझेंगे तो सॉल्व करें, तो आज इतना ही, ठीक है, और इसके ऊपर जाएगा क्विज, आज हमने पेपर क्विज जाएगा, क्या कोई क्वेश्चन तो ऐसा है, आज से हमने क्या पढ़ा, थ्योरी और कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर क्विज जाएगा, उसको अटेंड कीजिएगा, आप लोग क्विज नहीं अटेंड कर, क्विज हमेशा जाता है लेकिन भाई मैं कह रहा हूं सारे स्टूडेंट्स को हर एक बार और बार बार बताई गई सारी बातें, लेकिन पता नहीं क्यों अनाउंसमेंट में सारी चीजें जाएगी, चैट सेक्शन में जैसे अनाउंसमेंट करना है तो अनाउंसमेंट जो भी मेरे तरफ से मैसेज आएगा अनाउंसमेंट में जाएगा, लेकिन कभी कभी तो आपको बस ये देखना नोटिफिकेशन आया है कि नहीं, या अनाउंसमेंट है कि नहीं, नोटिफिकेशन आया एक बार क्लिक करके चेक कर लो क्या नोटिफिकेशन है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, और किसी ने अटेंड नहीं, आके अनाउंसमेंट बैच में देखो, बैच में जब जाओगे इसलिए मैं क्या, रिजल्ट डेली क्लास रिपोर्ट देखो, ये चीज मैं कह रहा हूं ना कि सारी चीज अनाउंसमेंट में जो भी जाएगा कोई भी इंफॉर्मेशन है या तो वो नोटिफिकेशन के फॉर्म में बन के जाए, और बैच में जो मैं अनाउंसमेंट कर लू जैसे कोई जनरल नोटिफिकेशन है कोई आज हॉलीडे है या फिर अब जैसे मान ली अभी तो लिमिटेड बैचेस है, लेकिन जब बैचेस और होंगे तो मैं चाह रहा हूँ कि आदत जनरल जैसे मिसाल के तौर पर कि अभी मैं चैट में भेज दूंगा आप लोग, ठीक है, लेकिन चैट में अगर मैं भेज दूंगा तो आपको लगेगा चैट में ही मैसेज आएगा, तो फिर उसका नोटिफिकेशन आ गया, आप चेक कर लो कि कोर्स पहुंच कर सब आ गया, डेमो के लिए यहाँ पे सब मुझे पता चलता रहता है कि नोटिफिकेशन जा रहा है कि नहीं जा,
सिंपल, एवरीथिंग इज परफेक्ट है. चलो क्विज अटेंड करना, क्विज जाएगा 11 बजे से पहले पहले.